वहीं परीक्षा को लेकर रोडवेज में भी काफी भीड़भाड़ देखने को मिली। रोडवेज प्रशासन द्वारा परीक्षा को देखते हुए अतिरिक्त बसें भी लगाई गई। ज्यादा यात्री भार बूंदी और नैनवा रोड पर देखने को मिला। इन रूट पर काफी ट्रैफिक देखा गया है। नयापुरा बस स्टैंड प्रभारी राकेश शर्मा ने बताया है कि हमारे द्वारा यात्री भार को देखते हुए अतिरिक्त बसें लगाई गई है। पेपर छूटने के बाद नयापुरा बस स्टैंड पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी लगाया गया है। बसें प्रॉपर मिल रही है? प्रॉपर मिल रही है। दो घंटा खड़ी रखनी, कोई दिक्कत आई? तो आप और क्या? अच्छा, क्या लेना है? एग्जाम देने आए वन रक्षक का। क्या वन रक्षक? अच्छा, किस तरह की व्यवस्था है रोडवेज ने की है? थोड़ी अच्छी तो नहीं है, पर फिर भी हो रहा है काम। उतना ज्यादा अच्छी नहीं है। चल, बहुत देर से खड़े हैं, अभी तक बस नहीं आ रही। मेन वाली बस नहीं आ रही। एग्जाम देने के लिए आए भैया। काय का? ये फॉरेस्टर गार्ड का एग्जाम है। अच्छा, व्यवस्थाएं किस तरह की है बस स्टैंड पे? कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है। हम खुद के किराए से आए, रोडवेज बिल्कुल नहीं मिल रही। अब यहाँ कम से कम 7 बजे की रोडवेज के लिए बोला है लोग बागों ने। कहाँ जाना आपको? जयपुर जाना है। इसका चार्ज ले रहे हैं? अरे, इसका चार्ज और ले रहे हैं। अभ्यर्थियों की बड़ी भीड़ भाड़ थी, चौक चौक में व्यवस्था कर रखी है। सब जगह ट्रैफिक का और हमारे बंदोबस्त कर रखा है। सब जगह जाप्ता लगा हुआ है। तो बस स्टैंड पे एकदम भीड़ आई। पूरी व्यवस्था है, बस वगैरह की व्यवस्था कर रखी है, किस तरह कोई परेशानी नहीं किसी को। हमारी तरफ से तो पूरी व्यवस्थाएं थी, लेकिन परीक्षार्थी न के बराबर आए। हमने तो किसी प्रकार से कोई कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए हमने पूरे पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए थे। एक्स्ट्रा बस की तो हमें आवश्यकता के अनुसार हमने रख रखी थी, लेकिन आवश्यकता ही नहीं पड़ी अभी तक। उन्हीं बसों से काम चल गया। और शायद लगता है कि देर रात तक भी हम तो हमारे इंतजाम में तो हम कहीं भी कमजोर नहीं है।